नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की तस्वीरें हैं। बताते चलें कि 9 वर्ष सुशासन काल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्धारित और आयोजित जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम जिला मंत्री उदित वाजपेयी, जो 3 दिवसीय के प्रवासी थे और वहीं पर सेक्टर शक्ति केंद्र बरौली के बूथों के अंतर्गत विभिन्न बूथों पर ये जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां पर सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को के बारे में पत्रक के माध्यम से देकर उनको उनकी उपलब्धियां गिनाई। वहीं पर 2024 में आगामी चुनाव को लेकर मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। वहीं पर टोल फ्री नंबर 2020-2024 पर कॉल कर समर्थन भी कराया गया मोबाइल से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएँ, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, किसान निधि सम्मान और काफ़ी तमाम योजनाओं को बताते हुए पूरा एक बखान और विकास का पटारा जन कल्याणकारी योजनाओं का खोला, लोगों को समझाया। वहीं पर हमारा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम के तहत श्योता विधानसभा के में यह कार्यक्रम जनसंपर्क किया गया, जो 3 दिवसीय प्रवासी उदित वाजपेयी जिला मंत्री की अध्यक्षता में अगुवाई में किया गया, जो आप स्पष्ट देख भी रहे हैं। वहीं पर इस मौके पर जिला मंत्री कंचन संदीप वाजपेयी और सरोजनी शुक्ला, रमा चंपा देवी और काफ़ी तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं साथ में उपस्थित रहे। काफ़ी एक सघन जनसंपर्क अभियान किया गया ये जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी 3 दिवसीय के कार्यक्रम में।